मैं अब आई स्टार्ट। पहले तो क्योंकि बहुत लोग नए हैं यहाँ पे एंड वो लोग जानते नहीं होंगे मैं कौन हूँ। सो मेरा नाम स्नेहा अग्रवाल है, मैं 38 ईयर्स की हूँ और मेरी एक छोटी 6 साल की बेटी है जिसका नाम है रीत। और मैं मेडिटेशन या आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी से लास्ट 2012 से जुड़ी हुई हूँ ज्यादा। और किताबें तो बहुत पढ़ती थी कॉलेज के टाइम से ही, आई हैव बीन रीडिंग, बहुत सारे किताबें पढ़ती थी मैं। एक डॉक्टर न्यूटन के अंडर ट्रेन्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और उनसे और भी बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी बाकी है, सो वो प्रोसेस में है। और डॉक्टर न्यूटन पत्री सर की स्टूडेंट है, सो मैं पत्री सर को हमेशा अपने ग्रैंडफादर इन स्पिरिचुअलिटी में मानती हूँ उन्हें। सो बिकॉज उन्होंने मेरे गुरु को ट्रेन किया है, उन्होंने मेरे गुरु को जो है वो बनाया है। सो मेरे लिए पत्री सर वो बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड होल्ड करते हैं। और मैं ज्यादा उनसे मिली नहीं हूँ, मैं ज्यादा उनसे पत्री सर से मैंने बातें नहीं करी है, बट एट अ डिस्टेंस ही मैं उनका पावर, उनकी जो थॉट्स है, उनके जो टीचिंग्स है वो फील कर पाती हूँ, वो अपना पाती हूँ। सो थैंक यू टू पत्री सर फॉर हमारे साक्षात हम जब अब अलाइव हैं तब अलाइव रहने के लिए और हमें इतना कुछ सिखाने के लिए और इतने सारे गुरुओं को हमारे सामने या हमारे साथ जो है क्रिएट करने के लिए ताकि हम उनसे नॉलेज ले पाए। सो थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद मैं अब अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। ये जो सोल प्लान के बारे में जितना भी हम आज बातें करेंगे ये बेस्ड 3-4 चीजों पर बेस्ड है। ओके सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ या क्लियर। जस्ट या सो ये रॉबर्ट श्वार्ट्ज की एक किताब है जिसका नाम है सोल प्लान। सो ये इससे आप ये सोचेंगे कि ये किताब का अनुवाद मैंने किया है यहाँ पर, वैसा नहीं है। सो किताब से इंस्पिरेशन ली है जरूर इस टॉपिक की, लेकिन मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस, उसके बाद जो मैंने टीचिंग्स ली है मेरे मास्टर्स के साथ, वो इन सब का मिश्रण है। क्योंकि रॉबर्ट श्वार्ट्ज की किताब का नाम है द सोल प्लान और उन जो किताब मैंने जब पढ़ी सो इट वॉज लाइक बहुत कुछ ऐसा जो था वो मैंने वो मुझे समझ में आने लगा। एंड मैं ये किस्सा मैंने किसी को बताया नहीं अभी तक कि कैसे मैंने ये किताब पढ़ी है और कैसे मैं हाउ डिड आई कम अक्रॉस। सो जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे सुन चुके हैं पहले, वो जानते हैं कि मेरी बेटी जो है वो अडॉप्टेड है और मैंने आई कुड नॉट गिव, लाइक मैं कंसीव नहीं कर पाई, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से फिर मैंने अडॉप्शन का वो लिया। और हितेश शुभांगी जो है वो मेरे मास्टर्स हैं और वो मेरे घर पर आए हुए थे, तो मैंने उन्हें ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा था कि क्या ये भी प्लान है, क्या रीत ने प्लान किया है, मुझे चूज किया है एज अ मदर, क्योंकि वो अडॉप्टेड है तो ये कैसे हो सकता है एंड कैसे इस चीज को मैं समझ पाऊं कि उसने मुझे चुना है एज हर मदर। तो उन्होंने मुझे बोला, कोई जवाब नहीं दिया और हंस के बोले कि तुम ये रॉबर्ट श्वार्ट्ज की किताब है द सोल प्लान, उसे पढ़ो। एंड आई गॉट सो इंट्रीग कि मैंने किताब मंगवाई और मैंने पढ़ा और बहुत कुछ जो है मेरी जिंदगी में क्लियर हुआ आफ्टर रीडिंग दिस बुक। सो आई होप मैं ये सेम क्लैरिटी आप लोगों को दे पाऊं। सोल प्लान के बारे में समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि सोल क्या है। ठीक है, सोल क्या होता है, आत्मा क्या होती है, हमें बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं पर हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। डिक्शनरी मीनिंग जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्पिरिचुअल और इमटीरियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स रिगार्डेड एज इमॉर्टल। तो यहाँ पर 3-4 शब्द ऐसे हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ते हैं और अगर कोई भी सोल का मतलब खोजने की कोशिश करेगा तो उसके सामने में ये सारी लाइनें आएंगी, जहां पे स्पिरिचुअल ठीक है आप समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है स्पिरिचुअल ठीक है, लेकिन इमटीरियल नहीं है, इमटीरियल बिल्कुल भी नहीं है हमारा सोल और पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल भी नहीं है, इमॉर्टल जरूर है। सो इसमें कुछ कुछ सच्चाई है, कुछ कुछ जो है वो इट्स नॉट ट्रू। सो सोल जो है वो बॉडी का पार्ट नहीं है, सोल जो है वो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी है
और उसके अंदर हमारी आत्मा है, वैसा नहीं होता है, बॉडी है, बॉडी जो है वो प्रोजेक्शन है सोल का। सो सोल का जो सबसे छोटा हिस्सा है जो हम देख पाते हैं वो है हमारी बॉडी, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। और पत्री जी भी ये बोलते हैं कि सोल जो है वो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, हमारा शरीर हमारी आत्मा का हिस्सा है। सो ये पहले क्लियर कर ले हम सब कि जो शरीर है दैट इज अ पार्ट ऑफ सोल, नॉट द अदर वे राउंड। ऐसा नहीं होता कि शरीर के अंदर आत्मा, जो हम रोजमर्रा में हमें सुनने में आता है कि इसको आत्मा आ गई है या इसके अंदर एक खराब आत्मा घुस गई है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्टैक्ट हो सकता है लेकिन किसी के अंदर आत्मा नहीं आ सकती, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज हम, हमारे अंदर आत्मा नहीं है, हम आत्मा का पार्ट है, जो दिखाई देते हैं एक दूसरे को, वो जो आत्मा है हमारी उसका एक छोटा पार्ट है या स्थूल पार्ट या सटल पार्ट जो है वो हम है। इसका एग्जाम्पल मैं कैसे दूं आपको, लेट मी थिंक, अगर कुछ आएगा तो मैं दूंगी एग्जाम्पल। कि आप देख पाते हैं सिर्फ शरीर को लेकिन आत्मा इससे कहीं बड़ी है और आत्मा हमसे जुड़ी हुई है। इट्स लाइक हाँ, प्रोजेक्टर आप सबने देखा होगा, जो प्रोजेक्टर हम यूज करते हैं या फिल्मों में हम जब मूवी थिएटर से सब गए हैं, यस दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। सो मूवी थिएटर्स में जो फिल्म चलती है प्रोजेक्टर की मशीन पर वो इतनी छोटी सी होती है, करेक्ट, लेकिन हमें दिखता क्या है, बहुत बड़ा एक स्क्रीन पर जो है वो दिखता है। सो हम जो बॉडी है वो बस इट्स जस्ट स्मॉल, बहुत छोटा सा एक हिस्सा है जो उस आत्मा का प्रोजेक्शन है। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सोल हमसे बहुत बड़ा है और हम उसके अंदर हैं, उसके बाहर नहीं है। सो ये बहुत ही प्यारा कोट मुझे मिला, सोल इज दैट पार्ट ऑफ यू दैट एग्जिस्टेड बिफोर यू वर बोर्न एंड विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट आफ्टर यू डाई। मतलब हम जब से हम पैदा हुए हैं उसके पहले से ये जीवित है और हम मरने के बाद, या हम जब हम बोलते हैं तो हम हमारा शरीर मरने के बाद भी ये जीवित रहेगा। इट इज इमॉर्टल, मतलब ये मर नहीं सकता क्योंकि ये एनर्जी फॉर्म है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। हम सब ने पढ़ा है कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यू आर अ पावरफुल एंड क्रिएटिव कंपैशनेट एंड लविंग स्पिरिट दैट हैज एंटर्ड द अर्थ स्कूल टू लर्न लेसंस एंड टू गिव गिफ्ट्स। मतलब आप जो है एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और एक इनोवेटिव और एक बहुत ज्यादा कंपैशनेट और लविंग जो है वो एक सोल है या स्पिरिट है जो अर्थ स्कूल पर आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ स्कूल, अर्थ हमारे लिए स्कूल है और हम यहाँ पर आए हैं लेसन्स सीखने और दुनिया को बहुत सारे अपने गिफ्ट्स देने के लिए। सो इट इज अ ब्यूटिफुल कोट। और अब ये जो है, ये एक साइकिल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज हाउ वी आर और दिस इज हाउ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ कंटिन्यूज। हमें ये लगता है कि जब हम आ गए हैं पृथ्वी पर तो जंजाल है, हमें मुक्ति चाहिए, हमें निर्वाण चाहिए, हमें, हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी या हम पूजा पाठ करेंगे तो हमें यहां से मुक्ति मिल जाएगी, हमें वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पर। सो ये जो है ये साइकिल है और इस साइकिल से हम कोई भी नहीं निकल सकते क्योंकि ये हमारी चॉइस है। सो आप ये पूरा का पूरा डायग्राम जो देख पा रहे हैं, सोर्स जो है वो ऑल परवेडिंग है, वो सब कुछ है, और सोर्स से पहले जो है फ्रैगमेंट्स निकलते हैं। सोर्स जो है वो डिवाइड होता है, सोर्स अपने आप को डिवाइड करता है। क्यों करता है, किस लिए करता है, वो हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और कैसे हमने हम फ्रैगमेंट होकर फिर यहां तक पहुंचे। वी विल डिस्कस इट टुमारो, लेकिन आज का जो सेशन है वो हम सोल टाइप्स और की सोल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं उसके बारे में है। सो वी विल डिस्कस दैट। सोर्स से जब फ्रैगमेंट्स निकल कर आते हैं तो फ्रैगमेंट्स फिर धीरे धीरे सोल्स का रूप लेते हैं, और जो फर्स्ट जो सोल हम जो फर्स्ट कुछ जिंदगियां हमने अपनी पृथ्वी पर बिताई हैं वो एज इन्फेंट सोल बिताई है। इन्फेंट सोल के बाद हम बेबी सोल बने हैं, फिर यंग सोल बने हैं, फिर मैच्योर सोल, फिर ओल्ड सोल, और ओल्ड सोल बनने के बाद हम ट्रांसेंडेंट सोल्स बन जाते हैं। और जब हम ट्रांसेंडेंट सोल्स बन जाते हैं तो फिर से हमारी जर्नी सोर्स की तरफ
मुड़ जाती है और हम सोर्स का एक हिस्सा बनने के तरफ मुड़ने लग जाते हैं। और अगेन जब अगेन हम ट्रांसेंडेंट सोल्स बन चुके हैं और फिर हम सोर्स के करीब जा चुके हैं, सोर्स का हिस्सा बन चुके हैं, अपने आप को कंप्लीटली सोर्स से आइडेंटिफाई कर चुके हैं, फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम 15-20 मिलियन साल सोर्स के पास बिता लेते हैं और फिर हम बोर हो जाते हैं कि क्या कुछ जिंदगी में मजा ही नहीं है, अब चलो कुछ करते हैं, कुछ बदमाशी करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस नया लेते हैं, तो फिर से फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट होता है, फिर हम वो प्रोसेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमें अर्थ प्लेन से मुक्ति चाहिए, हमें जिंदगी नहीं जीनी है, हमें बहुत डिफिकल्ट है, लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स है, तो ये न्यूज आपको मैं दे दूं कि यहाँ पर एक तो आपको ढकेल कर किसी ने भेजा नहीं है, यू हैव कम हियर बाय चॉइस, आप अपनी चॉइस से यहाँ पर आए हैं, किसी ने भी आपको धक्के मारकर यहाँ पर नहीं भेजा है। सो जिस जगह पर आप अपने चॉइस से आए हैं वहां से मुक्ति क्यों चाहिए, वहां क्यों वहां पे रहकर हम उसे पूरी तरह से एंजॉय या पूरी तरह से उसका मजा नहीं उठाते हैं, ठीक है। सो ये टाइप्स ऑफ सोल्स हैं जहां जो जिसके बारे में हम आज जानेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे ये हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन क्या है, हम किस कैटेगरी पे आते हैं, ये सारी चीजें हम आज वी विल डिस्कस दैट कि इन्फेंट सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वो क्या क्या चीजें जो हैं वो बताते हैं। वैसे ही बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, फिर ट्रांसेंडेंट सोल्स के बारे में भी हम थोड़ी सी बातें करेंगे और सोल लेवल्स या हम कैसे ग्रेजुएट करते हैं, असेंड करते हैं, फिर डिसेंड करते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बातें करेंगे आज। सो लेट्स का ये डायग्राम सबको समझ में आ गया है, वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो अब इन्फेंट सोल, इन्फेंट सोल का जो एज रेफरेंस होता है वो 0 से लेकर 4 साल के बच्चे के जैसा बिहेवियर जो है वो इन्फेंट सोल्स का होता है। वो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, बहुत रॉ होते हैं, ट्राइबल होते हैं, ग्रुप रेजिलियंट होते हैं, मतलब उन्हें वो डिपेंडेंट होते हैं हमेशा लोगों के ऊपर, और चाइल्ड लाइक होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, हंटर्स होते हैं, गैदरर्स होते हैं, और ज्यादातर जो ट्राइब्स क्लैंस में नेचर के बहुत पास रहते हैं वो इन्फेंट सोल के ग्रुप में आते हैं। अगेन यहाँ पर मैं रिइटरेट करूंगी कि जजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये जनरल मैंने एक गाइडलाइन जो है वो चॉकआउट की है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरीवन। आप ट्राइब्स में भी यू कैन फाइंड मैच्योर सोल, यू कैन फाइंड ओल्ड सोल, ऐसा नहीं है कि अगर तुम ट्राइब का हिस्सा हो तो तुम सारे के सारे इन्फेंट सोल्स हो। सो जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि एप्पल जो है एक सेब, वो हम सब जानते हैं कैसा होता है, और अगर हम सबको वो दिया जाएगा कि मैं अगर आपको बोलूंगी कि एक पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए और एक एप्पल का चित्र ड्रॉ करें, करेक्ट, और हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम एप्पल का चित्र ड्रॉ करेंगे, एंड आई एम श्योर कि हमारा एक भी जन का जो है एप्पल की ड्रॉइंग सेम नहीं होगी, वो सब अलग अलग तरीके के ड्रॉइंग्स होंगे, जबकि एप्पल हमें पता है कैसा दिखता है और हम कैसे उसको ड्रॉ करना है वो भी हमें पता है, उसके बाद भी हम सब भिन्न तरह से उसे ड्रॉ करेंगे, कोई थोड़ा छोटा बनाएगा, कोई थोड़ा मोटा बनाएगा, कोई शेप परफेक्ट बनाएगा, कोई थोड़ा, कोई उसे ग्रीन कलर करेगा, कोई येलो करेगा, कोई ऑरेंज करेगा, कोई रेड करेगा। दैट इज हाउ अ सोल वर्क्स, कि हम कैटेगरीज में उन्हें बांट जरूर सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पर जजमेंटल नहीं होना है, सिर्फ अपने लिए ये नॉलेज को लेना है। सो बेसिक लाइफ स्किल्स जो है, यहाँ पर जब हम आते हैं अर्थ प्लेन्स पर आते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें क्या क्या सीखना है, यहाँ पर हमें बेसिक लाइफ स्किल सीखना है, यहाँ पर हम सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, घर बनाना जरूरी है, खाना कैसा मिलना है, बॉडी को सर्वाइवल कैसे देनी है, तो ये सारी चीजें इन सोल्स को सीखनी होती है, ये सारी चीजें इन सोल्स को सीखनी होती है। तो हम सब ने ऐसी जिंदगियां बिताई हैं अपनी जो सोल जर्नी में जहां पर हमें ये लाइफ स्किल्स हमने सीखी हैं, बेसिक लाइफ स्किल्स, सर्वाइवल, मोर्टैलिटी, फिजिकैलिटी, ये सारी चीजें हमने सीखी हैं। जैसे मैंने बोला कि ये ज्यादातर क्लोज नेचर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं और ट्राइब्स में, क्लैंस में, और बहुत रॉ तरीके से अपनी जिंदगी बिताते हैं, और ज्यादातर ये 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो आज इन्फेंट सोल के लेवल पे है। आज से 50 या 60 साल या 100 साल पहले तक ये नंबर बहुत बड़ा था और अराउंड 30% जो था वो इन्फेंट सोल स्टेज में थे हम, लेकिन इन द नेक्स्ट मे बी
50 to 100 years इन्फेंट सोल्स और एग्जिस्ट नहीं करेंगे हमारे अर्थ प्लेन पर, बिकॉज वी आर ग्रेजुएटिंग बहुत ही तेजी से, हम जो है असेंड कर रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फेंट सोल्स जो है वो उसके बाद इन्फेंट सोल्स नहीं रहेंगे और सबको, सब बेबी सोल्स से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे. सो ये क्लियर है सबको इन्फेंट सोल्स क्या होते हैं. जब द फर्स्ट फ्यू लाइफ जो हमने अपनी जिंदगी, या अपने, जब मैं जिंदगी यहाँ यूज कर रही हूँ तो सोल की जिंदगी यूज कर रही हूँ, हमारी जिंदगी में. सो वो इन्फेंट सोल्स होते हैं, ठीक है. फिर आया बेबी सोल. बेबी सोल का एज रेफरेंस है 4 से लेके 13 साल के बच्चे की जो बिहेवियर होती है, उसी तरह का बिहेवियर जो है वो बेबी सोल्स का होता है. नीता जी, जस्ट वो चैट बॉक्स में देख नहीं पा रही हूँ, सो अगर किसी का कोई पर्टिनेंट क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिएगा. नहीं है, हाँ हाँ, कंटिन्यू करिए. या सो बेबी सोल का जो है एज रेफरेंस 4 से लेके 13 साल का है. इनका जो है वो बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग वैल्यूज वाले, रोल डिफाइंड होता है, बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, उनको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं क्योंकि उनको बोला जाता है तुम्हें ये फॉलो करना है. जनरली हम 4 से 13 साल के बच्चों को जो माँ बाप है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं और ऐसे करो, वैसे नहीं करो, वैसे करो, वैसे नहीं करो, तो बच्चा उसी तरह से बिहेव करता है जैसे ये सारे सोल्स जो है वो बिलीव करते हैं, बिहेव करते हैं. अब यहाँ पर जो लेसन सोल सीखते हैं वो है सोशल स्ट्रक्चर, रूल्स, रोल्स, ह्यूमन रिलेशंस, ये सारी चीजें हम जो है वो सीखते हैं. एक मिनट, एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी आई है, उसे कुछ कुछ बोलना है. आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स इफ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हाँ सुनिए स्नेहा जी, आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी कि कुछ एक लोग जो बहुत ही योग्य माँ बाप के योग्य बच्चे आए हैं जूम में, बहुत चैट कर रहे हैं हम लोग से पर्सनली, बार बार हम उनको रिमूव कर रहे हैं, बार बार वो एंटर कर रहे हैं, कोई हैकर्स हैं. तो हमने पहले भी इस सॉफ्टवेयर के लिए पुलिस में रिपोर्ट किया था और अब मुझे फिर से उसमें एक्शन लेना पड़ेगा कल से. अभी देखे तो हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, कल से और मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट रहूंगी क्योंकि पिछले 4 दिन से योग्य माँ बाप के योग्य सुपुत्र सुपुत्री आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली हम लोग को वो पर्सनल चैट कर रहे हैं मुझे और वाही को. तो फ्रेंड्स, क्यों अपने माँ बाप की इज्जत कम कर रहे हो? घर में जाइए, आराम करिए, घूमिए फिरिए, ऐसे जगह पे आपका आना अच्छा नहीं है, आप लोग महान हैं, कहीं और जाइए. और आज तक के तो भी ठीक है आप लोग जो भी कर रहे हैं, कल से इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग तरीके से हम लोग एक्शन लेंगे. तो आप लोग सोच लीजिएगा, अगर आप लोग को लाइमलाइट में आना है तो करते रहिए, हम लोग भी बहुत अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं, हम करते रहेंगे अपने काम. 3 more aunty. Yes. मैं बात करती हूँ आज पूरा, तुम देखते रहो क्योंकि मेरे पास जैसे आते जा रहे हैं मैं रिमूव करते जा रही हूँ. हाँ स्नेहा जी, कंटिन्यू. सो बेबी सोल्स जो है सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, कंजर्वेटिव और ज्यादा मतलब उन्हें नई चीजें ट्राई करने का उनको डर लगता है, ऐसे होते हैं और नॉन एडवेंचरस होते हैं, बिलीव नहीं करते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए या फ्री एक्सप्रेशन होना चाहिए. कम्युनिज्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और 20% पॉपुलेशन जो है वो बेबी सोल के कैटेगरी में आती है. और जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सोल्स की, तो सोल्स इंडिविजुअल्स होते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है, स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज होती है. तो हम कंट्रीज को भी इन्फेंट बेबी और इन सारे कैटेगरीज में डाल सकते हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल. सो जनरली वैसे लोग जो बहुत कम्युनिज्म में और रिलीजियस बहुत ज्यादा गुटबाजी कर कर एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन को मारपीट करना और गालियां देना, ये सारे लोग जो है वो बेबी सोल्स के स्टेज पर जो है वो आते हैं. अब आया यंग सोल. यंग सोल का रेफरेंस एज है 13 से 30 इयर्स, लाइक अराउंड 29 इयर्स. सो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं
वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, कम्पेटिटिव होते हैं, उनको पैसों की बहुत या मटेरियल गेन का बहुत ज्यादा उनको वो रहता है, इनोवेटिव होते हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं ज्यादातर। जो लेसन्स हमें यहाँ इन सारी लाइफ्स में मिलती है वो पर्सनल एडवांसमेंट और अचीवमेंट और फ्री विल की मिलती है। फ्री विल मैं डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट जो दो तीन सेशंस में कि फ्री विल कितना इंपॉर्टेंट है। और जब हम यंग सोल होते हैं तो हमें फ्री विल का पहला चस्का जो है वो लगता है, और हम बहुत सारे बैड चॉइसेस भी करते हैं, बहुत सारे अच्छे चॉइसेस भी करते हैं। और बहुत सारे यंग सोल्स आप देखेंगे अपने आसपास, या जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे या थोड़ा सा उसे नॉन जजमेंटल वे में एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ते हैं लेकिन कभी कभी बैड चॉइसेस करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा ग्रेवली जो अपने लिए बैड चॉइसेस करते हैं, क्योंकि फ्री विल का जो मजा है या फ्री विल किस तरह से यूज करते हैं या फ्री विल का जो नशा है ये यंग सोल्स को आ रहा होता है कि फ्री विल हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमारी जिंदगी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। सो ये जो नशा होता है, ये लड़कपन का या जो जवानी का नशा जो हम सब बोलते हैं, ये इन सोल्स में रहता है। और पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे यंग सोल्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, यू विल फाइंड कि जो क्रॉस होता ही है हर जगह पर। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जितना भी चाहूं कि मैं ना अपने आप को करूं कि नहीं मैं ओल्ड सोल हूं, ओल्ड सोल हूं, ओल्ड सोल हूं, हो सकता है ओल्ड सोल हूं, लेकिन मेरे अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बेबी सोल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्फेंट सोल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यंग सोल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मच्योर के भी है और ओल्ड के भी है। सो ये जैसे वो एप्पल जो है वो हम अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, वैसे ही शायद सोल भी अपनी तरह से इंटरप्रेट करके अपनी एक जिंदगी बनाता है। सो जो कैरेक्टर्स हमें पसंद होते हैं हम सिर्फ पिक कर लेते हैं शायद अपने लिए। सो ये सारे इंफॉर्मेशन को लेकर जजमेंटल ना हो, और ये ना कहे कि सारे पॉलिटिशियंस और सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो सब यंग सोल्स हैं और हम उनसे अच्छे हैं, हम उनसे ज्यादा बेटर हैं, ऐसा ना कहें, बिकॉज एवरी वन इज देयर फॉर अ रीजन। जो भी है यहाँ पर हमारे आसपास में, हमें बेबी सोल भी चाहिए, हमें यंग सोल्स भी चाहिए, हमें इन्फेंट सोल्स भी चाहिए, हमें मच्योर भी चाहिए, हमें ओल्ड भी चाहिए। सो दुनिया जो है, सृष्टि जो है वो सबसे चलती है, सिर्फ एक दो से नहीं काम चलेगा। सारे ओल्ड सोल्स हो जाएंगे तो जिंदगी थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। सो 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यंग सोल्स की होती है जनरली। और हमारे आसपास अगर हम देखेंगे आंखें खुली करके तो बहुत लोग हमें यंग सोल्स वाले मिलेंगे, बहुत लोग जो बहुत ड्रिवन हैं और उन्हें पैसे कमाने हैं और वर्कोहॉलिक्स होते हैं और आगे पीछे की उन्हें बातें नहीं अच्छी लगती हैं, बस काम पे जाना वापस आना, या फिर फेम नेम चाहिए और लोग उन्हें जाने, ये सारी चीजें उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद जो है वो बात आता है मच्योर सोल का। मच्योर सोल जो है उनका एज रेफरेंस होता है 29 to 55 ईयर्स, 55 साल की उम्र तक लोग मच्योर सोल। 35% जो पॉपुलेशन है वो मच्योर सोल का होता है, इनकी एज रेफरेंस जो है वो 29 to 55 ईयर्स की होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, अगेन आप जब अपने जिंदगी को देखें, अगर जो अगर आप इस एज में हैं राइट नाउ, तो सेंसिटिव, हम ह्यूमन राइट्स के बारे में ज्यादा सोचने लगे, हम नहीं मतलब ये सोल्स ह्यूमन राइट्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे पर्पस, लाइफ का पर्पस क्या है, बहुत न्यूरोटिक होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, अपने बारे में जानने की कोशिश कि जो कर रहे हैं उसमें कोई मतलब भी है या नहीं, जो काम कर रहे हैं वो उससे कोई फायदा भी होगा या नहीं। तो ये सारी बातें जो है मैच्योर सोल्स के दिमाग में चलने लग जाती है। विक्टिम आइडेंटिफिकेशन मैच्योर सोल्स में बहुत ज्यादा होता है कि मेरे साथ क्यों हुआ, हाय मैं बेचारा, हाय मैं बेचारी, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, और दुनिया बेकार है, दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। सो ये सारी चीजें जो है वो मैच्योर सोल्स के दिमाग में आनी स्टार्ट होती है। लेसन जो हम इसमें सीखते हैं वो है हुए माए और हम क्यों यहाँ पर आए हैं। जनरली आर्टिस्ट, राइटर्स, म्यूजिशियंस जो है इन इस कैटेगरी पे जाते हैं, और बहुत सारे हम भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं। सो मैं ये बता दूं कि जितने भी लोग अध्यात्म से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, ये खोज में लगे हैं कि हमें कैसे यहाँ पर आना है, हम
क्या है, हु एम आई, क्या मुझे अपने बारे में कुछ और जानना है. सो हम सब यहाँ पर मैच्योर सोल या ओल्ड सोल ही हैं. यंग सोल्स बहुत कम ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते हैं, जो आध्यात्म की बातों में उनको इंटरेस्ट होता है. उनको लगता है कि सब बेकार है, पैसे कमाओ, ऐश करो, बस वही जिंदगी है, विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. अगेन यहाँ पर हमें जजमेंटल नहीं होना है, बिकॉज वो नहीं पैसे कमाएंगे तो हम जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे. सो एवरी वन हैज अ रोल टू प्ले इन, सब कोई जो है वो एक अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं जिंदगी में, और बहुत ब्यूटिफुली जो है वो सृष्टि इस तरह से चल रही है. सो आर्टिस्ट, राइटर्स, म्यूजिशियंस, आपने देखा होगा कि बहुत ब्रूडी होते हैं, बहुत दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हैं और इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, और दुनिया में ह्यूमन राइट्स और लोगों के हक के लिए लड़ना और ये सारी चीजें जो है मैच्योर सोल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब आते हैं ओल्ड सोल्स. ओल्ड सोल्स की एज रेफरेंस है 56 प्लस ईयर्स में ओल्ड सोल्स की रेफरेंस है. ये एज रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जनरली इस एज के लोग भी इसी तरह से बिहेव करते हैं, अगर आपने देखा है अपने आसपास. सो इजी हो जाता है हमें समझने के लिए. जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनके होते हैं वो होते हैं ये बहुत फिलोसफिकल हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत लेड बैक होते हैं, लेजी होते हैं, अनएम्बिशियस होते हैं, उनका कोई एम्बिशन नहीं होता है जिंदगी में जैसे मेरा है, और लोनर होते हैं, अकेले रहना पसंद होता है, डिटैच्ड होते हैं. स्पेशली ओल्ड सोल्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा डिटैच्ड होते हैं. वो पेरेंट्स से के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स. ये एक ओल्ड सोल कैरेक्टरिस्टिक है. और मेरी मम्मी यहाँ पर अभी प्रेजेंट है और वो बता देगी कि मैं कितनी ज्यादा डिटैच टू मेरी मम्मी पापा से. सो शील बी द वन टू कोरोबोरेट द फैक्ट दैट आई एम बैडली डिटैच फ्रॉम माई पेरेंट्स. बैडली तो नॉट, बैडली इज नॉट अ गुड वर्ड, आई एम डिटैच फ्रॉम माई पेरेंट्स. सो ओल्ड सोल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. और जो लेसन्स हम सीखते हैं वो होता है नॉन अटैचमेंट का, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट का, अवेयरनेस का, अपने बारे में जानना, दुनिया के बारे में जानना, और देखना कि दुनिया कैसे है, कैसे बनी है, कैसे चलती है, हाउ डज इट ऑल हैपन. वो ये सारी चीजें जो है वो ओल्ड सोल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है. और जनरली जो टीचर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, ओल्ड सोल की कैटेगरी में आते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि ये जो पांचों सोल्स के बारे में, पांचों सोल स्टेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने हर जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डाला है. मैंने जो है पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी डाले हैं और नेगेटिव कैरेक्टर्स भी डाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप ओल्ड सोल हैं तो आप सबसे बेटर हैं, आप सबसे बेहतर हैं, आप मैच्योर सोल हैं तो आप सबसे बेहतर हैं. इट हैज इट्स ओन डीमेरिट्स, मतलब अपने अंदर वो अपने साथ जो है एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर भी चलती है. सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर होता है, सारे स्टेजेस में होता है. सो अगेन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड सोल्स का होता है, और आने वाले जो टाइम में जो असेंशन हो रहा है, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जो जिस तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है पूरे पूरे विश्व की या पूरे अर्थ की, हम ये 15% इज स्लोली या ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन नंबर. सो देयर विल बी अ टाइम जब इन्फेंट सोल्स विल सीज टू एग्जिस्ट, इन्फेंट सोल नहीं रहेंगे, बेबी सोल्स से स्टार्ट होगा सब कुछ, और ओल्ड सोल्स, मैच्योर सोल्स का नंबर जो है वो बढ़ना स्टार्ट होगा. ये साइकिल है नेचर का, और अच्छा या बुरा वो तो मैं नहीं जानती कि अच्छा होगा या बुरा होगा, ऐसा होगा तो, क्योंकि हर अच्छे के साथ बुरा जुड़ा हुआ होता है और हर बुरे के साथ अच्छा जुड़ा हुआ होता है. सो वी नेवर नो कि क्या होगा, बट दिस इज हाउ ये प्रोग्रेशन होना ही है. और ये जैसे आप देख पा रहे हैं, हर एक सोल जो है वो इंक्लूसिव होता है हमारे पिछले जो स्टेज का, जो लर्निंग्स लिए हमने वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. सो ओल्ड सोल्स जो होते हैं वो सारे के सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें असिमिलेटेड होते हैं, और ओल्ड सोल्स जनरली इंट्यूटिव होते हैं.
अपना इंटेलेक्ट ज्यादा यूज नहीं करते हैं और इंटेलेक्ट होते हुए भी यूज नहीं करते हैं और इंट्यूशन पर जाते हैं, अपने गट इंस्टिंक्ट्स पर जाते हैं, अपने जो जो बोलते हैं एक आवाज जो अंदर से बोलती है उस पर विश्वास करते हैं. सो ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इन्फेंट से लेके यंग सोल्स जो है वो आउटवर्डली फोकस्ड होते हैं, वो बाहर की दुनिया या शरीर या बाहर की दुनिया में वो ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, और जो मच्योर और ओल्ड सोल्स हैं उनको अंतर अंदर की तरफ, उनकी अंदरूनी तरफ उनका जो है वो मन चला जाता है और वो अपने बारे में, अपने आप के बारे में, अपने आप को चेंज करने के बारे में बातें करना, वो सब करना स्टार्ट करते हैं. अब ये हुई टाइप्स ऑफ सोल की बात कि हम किस टाइप के सोल्स में डिवाइडेड हैं और कैसे जो है वो सोल प्लान, जब सृष्टि का जन्म हुआ तो कैसे हमने पहले बेबी सोल्स के तरह जिंदगी जी, फिर यंग सोल्स में आए, फिर मैच्योर सोल्स में आए, फिर ओल्ड सोल्स में आए. तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि राइट नाउ अभी जो है अब बेबी सोल्स कौन है. तो जो हायरार्की होती है, पहले हमने मिनरल के जैसे जिंदगी जी है अपनी, मिनरल जैसे पत्थर या जो एलिमेंट्स हैं, अर्थ एलिमेंट्स है या सॉयल, इस तरह से हमने मिलियंस ऑफ इयर्स तक हमने जिंदगी जी है. और फिर वहां से हमारा जो है ग्रेजुएशन हुआ प्लांट वर्ल्ड में, जहां पर हम पहले बहुत छोटे घास और जंगली पौधे, फिर बड़े बड़े होकर ट्रीज बनते हैं, फिर वो पूरा का पूरा जब हमारा चैप्टर खत्म होता है उसके बाद हम पहुंचते हैं एनिमल किंगडम में. एनिमल किंगडम में भी देयर इज अ प्रोग्रेशन, जहां पर हम पहले वाइल्ड, फिर आदमियों के पास या ह्यूमंस के पास रहने वाले जानवर बन जाते हैं. उसमें भी पूरा प्रोग्रेशन जब कंप्लीट होता है तब हम स्टेप करते हैं ह्यूमन लाइफ में. और ये मैं बता दूं कि वंस आपने एक ह्यूमन लाइफ या एक ह्यूमन का हिंदी मुझे नहीं समझ आ रहा, अगर किसी को आ रहा है तो प्लीज मुझे बता दीजिए. ह्यूमन लाइफ में जब हम आ जाते हैं तो पीछे जाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है. ओनली ट्रांसेंडेड मास्टर्स ये चूज कर पाते हैं कि हमें एनिमल किंगडम में या प्लांट किंगडम में वापस से जन्म लेना है ताकि हम कोई चेंज ला सके या कोई बड़ा जो टीचिंग दे पाए. सो अगर आप ह्यूमन बीइंग बन चुके हैं तो एनिमल बनना या प्लांट बनना बहुत डिफिकल्ट है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. क्योंकि ह्यूमन जब आप प्रोग्रेस कर चुके हैं तो उसके बाद आपको ह्यूमन लाइफ में ही आना जानना पड़ता है. सो दिस इज हाउ वो पूरा का पूरा जो हायरार्की है वो वर्क करता है. और अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें चर्चा करूंगी कि कैसे जो ग्रुप्स बनते हैं और कैसे हम डिवाइड होते हैं, सोर्स से कैसे निकलकर हम जो है डिवाइड होते हैं. सोर्स के बाद बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे. फिर लेवल्स के बाद सोल ग्रुप्स में हम बट जाते हैं, सोल ग्रुप्स ओवर सोल्स में बट जाते हैं, जो ओवर सोल्स होते हैं वो सोल्स में बटते हैं. ओवर सोल यहाँ पर हायर सेल्फ या ओवर सेल्फ या कुछ भी बोल सकते हैं आप. सो वो सारे के सारे जो है वो सोल्स में बट जाते हैं. और बहुत बार ऐसा होता है कि एक सोल एक्सटेंशन लेता है और एक सोल एक बार में दो या तीन बॉडीज में भी इनहैबिट कर सकता है. और इसका प्राइम एग्जाम्पल है कृष्ण राधा. हमने अपने जो लाइफ में बहुत बार सुना है कि दो शरीर एक जान. सो राधा और कृष्ण को हमेशा ही जो दो शरीर एक जान बोला गया है. सो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, सब हर जगह हमें ये, जैसे राधा की पूजा होती है वैसे ही कृष्ण की पूजा होती है. सो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे एक सोल दो बॉडीज को इनहैबिट करता है या एक सोल दो बॉडीज में जीता है. ये पॉसिबल है और ये हो सकता है. और जो सोल ग्रुप्स यहाँ पर मैंने ये डायग्राम में दिखाया है, सोल ग्रुप्स बोल लें या सोल फैमिलीज बोल लें. सो जब आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट करते हो तो आपको ऐसे लगता है आप घर आ गए हो. आपको ऐसे लगता है बस मैं बातें करती जाऊं इनसे और मिलती जाऊं इनसे, बार बार मिलूं और अच्छी बातें करूं और वो एंडलेस बातें चालू हो जाती हैं. तो आप समझे कि आपके सोल ग्रुप के है ये. और बहुत इजी होता है ये आइडेंटिफाई करना क्योंकि हम सबके साथ होता है ये कि हम किसी से मिलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम और घंटों तक हम उनसे बातें करने लग जाते हैं और मन ही नहीं करता है उन्हें छोड़कर जाने का और मन ही नहीं करता है कि, और बार बार मिलने का मन करता है. सो जस्ट थिंक कि वो आपके सोल ग्रुप के हिस्सा है.
तो ये जो लेवल्स हैं सोर्स से लेकर अर्थ तक के लेवल्स, वो यहाँ पर मैंने बता रखे हैं। 7 प्लेन्स में हम एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे तो 14 प्लेन्स हैं, जो पाताल के प्लेन्स हैं वहां पर हम उसकी डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि सिंस हम लोग अर्थ पर हैं, अर्थ से हमें ऊपर ही जाना है, नीचे की बातें हमें नहीं करनी है और नीचे जाने की बातें नहीं करनी है, हमें अर्थ से ऊपर की बातें करनी है। सो आप जो ब्रह्म लोक या सत्य लोक देख रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि ये सोल है या सोर्स है, सोर्स है। यहां से हम फ्रैगमेंट होकर नीचे से ऊपर आ रहे हैं। अभी राइट नाउ हम मिडिल में हैं, भूलोक में मिडिल में हैं, जिसके नीचे में 7 लेवल्स हमने पार करी हैं ऑलरेडी, जो मैंने बताया। ये बहुत जो विद्या है ये सिंबॉलिक है, बहुत लिटरल नहीं है। नीता जी, डू यू वांट टू से समथिंग और इज इट ओके इफ आई कंटिन्यू? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो हमने मिनरल की तरह जिंदगी जी, या प्लांट की तरह जिंदगी जी, या एनिमल्स की तरह जिंदगी जी, या वो सब कुछ जी, वो सब कुछ भूलोक पर होता है। उसके पहले भी हमारी जिंदगियां होती हैं, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट। वो हम बिकॉज हम आ चुके हैं वहां पर, आगे बढ़ चुके हैं, सो हम पीछे जाने की बातें नहीं करेंगे। भूलोक से भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनर लोक, तपल लोक और ब्रह्म लोक। जो भुवर लोक होता है वहां पर स्पिरिट्स रहते हैं, स्पिरिट्स या जो स्पिरिचुअल एंटिटीज होती है, एथरिक बॉडीज होती है, वो रहते हैं। स्वर्ग लोक में जो रहते हैं वो देवी देवता या राक्षसगण, ये सारे के सारे स्वर्ग लोक में रहते हैं। इंद्र देवता का वास यहाँ पर माना जाता है। यहाँ पर जो लाइक ऑल द एलिमेंट्स के गॉड्स या वो सारी जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ये 3 जो लेवल्स है, ये हमारे अर्थ के एनवायरमेंट का जो आपने स्तर देखा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, इट इज विद इन दैट। जो जब हमारी हम स्पेस में चले जाते हैं तब महालोक स्टार्ट होता है। महालोक वहां पे, महालोक जो है वो योगीज का लोक होता है, जो बहुत तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो महालोक तक पहुंचते हैं। जनलोक जो होता है वो ट्रांसेंडेड मास्टर्स का लोक होता है, ट्रांसेंडेड मास्टर्स जनलोक में रहते हैं। और तपलोक जो होता है वो गॉड पार्टिकल्स या गॉड एनर्जीज, जैसे काली, कृष्णा, अल्लाह, जीसस, ये सारी एंटिटीज जो हैं ये तपलोक में रहते हैं। और कृष्ण जो सारे के सारे गॉड कॉन्शियसनेस होती है वो तपलोक में रहती है। और फिर आता है ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक जहां पर सोर्स है, जहां से ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। सो ये हम इसी तरह से आते हैं और जाते हैं, और इसी तरह से हमारा जो है वो साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। ये जो है इस पर मैं ज्यादा डीप नहीं जा रही हूँ, बिकॉज दिस इज सम सेपरेट टॉपिक, और ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया है ताकि आप समझ पाए कि एक सोल किस तरह से ग्रेजुएट करता है, किस तरह से जो उसकी जर्नी होती है वो कंप्लीट करता है। आप अपने आप को कहाँ पर पाते हैं ये सारी चीजों को देखते हुए, ये एनालाइज करने के लिए मैंने ये जो सारी चीजें, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर किया है। इसमें जो भी डाउट है, बहुत कुछ आपको नेक्स्ट 2-3 सेशंस में क्लियर होगा, और किस तरह से हम सोल प्लान करते हैं, किस तरह से हम सृष्टि में आते हैं। सो मैं अब ये बताऊंगी कि आई जस्ट शेयर लिटिल बिट कि जब हम सब सोर्स का हिस्सा थे, हम सोर्स के अंदर थे, और एक दिन सोर्स बहुत बोर हो गया और बोला कि अब तो भाई नथिंगनेस से मुझे कुछ करना है, और उन्होंने फ्रैगमेंट करना स्टार्ट करा। और फिर जब हमने ये डिसाइड करा कि अच्छा ठीक है अब क्या करें, नई चीजें सीखे, तो फिर सोल ने अर्थ के एक स्कूल को डिजाइन करा। हमारे पास और बहुत सारे स्कूल्स है, और बहुत सारे ऐसे प्लेन्स हैं या प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं जहां पर हम जाते हैं सीखने के लिए, सो लेट अस नॉट डिस्कस दैट राइट नाउ। लेकिन अर्थ जो है या पृथ्वी जो है वो हमारा फेवरेट स्कूल होता है। हम इन द एंड लाइट बींग्स हैं, स्पिरिचुअल बींग्स हैं, और पृथ्वी हमारा फेवरेट स्कूल है। अब आप बोलेंगे कि क्यों आना है यहाँ पे, अच्छे तो थे वहां पर, क्यों हमें यहाँ पर आना है, क्यों इतनी डिफिकल्टीज लेने के यहाँ पर आना है? तो हम सब, आई थिंक हमारे सबके बच्चे हैं, और हम सब ने अपने बच्चों को जो है स्कूल में भर्ती किया है। सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डिफिकल्टीज आएंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बच्चे को माँ से दूर होकर अकेले अपनी जिंदगी को व्यतीत करना पड़ेगा, हम उन्हें स्कूल में डालते हैं।
सो दैट इज व्हाट हैपेंस विद अस. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हमने अपने चॉइस से यहाँ पर हम आए हैं, अपने चॉइस से हमने ये डिसीजन लिया है कि हम अर्थ पर आएंगे, हम पृथ्वी पर आएंगे. इट इज कंप्लीटली आवर चॉइस. हमारे पास, हमारे ऊपर किसी का भी बंधन नहीं है. सोर्स भी हमारे कोई भी काम में अड़चन नहीं डाल सकता. कैन नॉट इंटरफेयर, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम कंप्लीटली इंडिविजुअल एंटिटीज हैं और जो भी हमारे साथ होता है वो हमारा खुद का डिसीजन है. इट इज कंप्लीटली आवर ओन डिसीजन. ये किसी ने हमारे ऊपर थोपा नहीं है, किसी ने हमें जबरदस्ती नहीं की है यहाँ पर आने के लिए. हम अपने चॉइस से यहाँ पर आए हैं. सो और बहुत कुछ है जो क्लियर होगा. आज जो भी मैंने बातें करी बेबी सोल के बारे में, इन्फेंट सोल के बारे में, बेबी सोल के बारे में, यंग सोल के बारे में, मैच्योर सोल के बारे में, ओल्ड सोल्स के बारे में, ये ज्यादातर जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं वो मैच्योर प्लस होते हैं. या तो मैच्योर होते हैं या ओल्ड सोल्स होते हैं. यंग सोल्स से नीचे स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ते, अध्यात्म से नहीं जुड़ते, क्योंकि उनकी जो लर्निंग्स होती है वो बहुत डिफरेंट होती है. उनकी जो जो पाथ है उनका वो डिफरेंट होता है.